हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो AMT में जो जगह आई है AMD में, तो आप जो है कैसे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आपका वहाँ पर आता है एप्लीकेंट नेम, तो जो एप्लीकेंट नेम में आपको जो है अपना नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड मिडिल नेम, तो ये आपको जो है फर्स्ट और लास्ट नेम है तो ठीक है, अन्यथा फर्स्ट नेम भी फिल कर लेंगे, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आपको फिल करना होगा। उसके बाद क्या है, आपको अपना डाल देना है फादर्स नेम। ठीक है, और उसके बाद आपको अपना मदर्स नेम जो है डाल देना है। इनके आगे कोई भी श्री या श्रीमती नहीं लगाना है आपको, नॉर्मली जो आपकी मार्कशीट में नाम दिया हुआ है वो नाम में मार्कशीट वाला नाम ही फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको अपना डाल लेना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या अपना जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद आपकी नेशनलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका आता है परमानेंट एड्रेस एंड एक आता है प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस में क्या है, आपका जहाँ का डोमिसाइल है तो वो वहाँ आपको डाल देना है। और जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस की बात करें तो जहाँ पे आप फिलहाल अपना डाक मंगवाना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना ज़िला है, आपको तहसील है, ठीक है, आपका जो भी एरिया है, आपको स्टेट है और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपको पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद क्या है, आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है, ईमेल आईडी को करना है कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी। अल्टरनेट ईमेल आईडी क्या है, अगर आप कोई और ईमेल आईडी लगाना चाहते हैं इसके साथ तो लगा सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आता है आपका आधार नंबर। ठीक है, तो 12 डिजिट का आपका आधार नंबर जो है यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद कंफर्म आधार नंबर कर लेना है। उसके बाद बता दें आपको जो लॉगिन आईडी, तो लॉगिन आईडी क्या है, आपको स्पेशल बनानी है, उसमें आपको कोई भी स्पेशल करेक्टर सॉरी आपको नंबर एक और आपका जो है आईडी कुछ भी बना सकते हैं, नाम 1 2 3 ऐसे कुछ आप बना सकते हैं। उसका चेक अवेलेबिलिटी करेंगे, तो चेक अवेलेबल करेंगे तो वहाँ पर क्या, अगर आपकी जो है लॉगिन ऑलरेडी होगा तो वहाँ पे दिखा देगा, और नहीं है तो आप जो है ऑलरेडी के आगे नेक्स्ट के लिए कर सकते हैं लॉगिन के लिए। ठीक है, तो आपको क्या है वो चेक कर लेना है, अगर आपका पास दिखाता है, ठीक है, आपका लॉगिन फॉर अवेलेबल दिखाता है तो ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको कन्फर्म और लॉगिन आईडी कर लेना है। ठीक है, तो कन्फर्म लॉगिन आईडी आप जैसे ही डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या है, आपका मांगता है पासवर्ड, तो लॉगिन आईडी को अपनी को कहीं पे भी सेव कर लें क्योंकि आपको आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम होगी एडमिट कार्ड निकालते टाइम पर, तो एडमिट कार्ड आप इससे ही निकाल पाएंगे। उसके बाद आपको बनाया लॉगिन पासवर्ड, तो लॉगिन पासवर्ड क्या है, आपका कोई भी स्पेशल करेक्टर हो, ठीक है, आपका जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर स्पेशल करेक्टर एंड नंबर एक मोड, तो ये सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। ठीक है, और कन्फर्म पासवर्ड करके आपको कैप्चा कोड डाल के सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आपके सामने सारी जानकारी आ चुकी होगी, तो आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें, अगर कोई भी गड़बड़ है तो आप उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, और सही है तो आप कैप्चा कोड डाल के डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या है, आपका थोड़ी देर बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी दी हुई है कि आपने क्या लॉगिन आईडी बनाई थी, तो लॉगिन आईडी जो है आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने डाला था तो वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड, अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर आपको यूज कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो जैसे आपका लॉगिन का इंटरफेस आपका खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या है, अगर आपका सर्वर प्रॉब्लम देता है तो आप रीलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो है मेल पर आपका OTP जा चुका है, तो आप OTP मेल पर अपना चेक कर लें, अगर आपका आपका इनबॉक्स में है तो ठीक है, वरना आपको क्या है अपना स्पैम में चेक कर लेना है या इम्पोर्टेंट में, तो ये जो क्या है कभी कभी OTP जो है आपके वहाँ भी चले जाते हैं, तो आपको कुछ देर क्या है वेट कर लेना है। अगर नहीं आया है तो आपको क्या है कैंसिल करने के बाद दोबारा से रीलॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ी देर क्या है आप 1 से 2 मिनट आप अपना वेट कर लेंगे,
और जैसे आपका ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी डालने के बाद क्या है आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्लिक हेयर आप करेंगे तो आपका थोड़ी देर में जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको कभी कभी क्या है सर्वर की वजह से आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी, उसके बाद आपको अपना अकाउंट नंबर जो है यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपका अकाउंट नंबर नाम क्या है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका आईएफएससी कोड, उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद ब्रांच नेम, ठीक है। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके बाद आपका डोमिसाइल आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसके बाद आता आपका पीडब्ल्यूडी आप विकलांग विवाह से हैं तो यस कर दें, अन्यथा आप नो कर देंगे, ठीक है। या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो यस कर देंगे, अन्यथा आप जो है नो कर देंगे। तो ये सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिलअप करनी है। उसके बाद आपका पूछता है क्या आप इसके पात्र हैं, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, ठीक है। सारी चीज़ नो करने के बाद यहाँ पे आपको यस अवश्य करना होगा, अगर यहाँ पे यस नहीं करेंगे तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कम से कम जो है हाई स्कूल आगे आप जो भी आपने कर रखा है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड डाल देना है, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद आपने कब पास किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप जो है डाल सकते हैं। अगर आगे ट्वेल्थ चढ़ाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर की, तो आपका जो फ़ोटो है फोटोग्राफ है वो आपका लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना फ़ोटो जो अपलोड करेंगे तो आपका लाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो आप हाई स्कूल इंटर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है हायर, आप ग्रेजुएशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये परसेंटेज है वो अच्छे से कैलकुलेट करके जो है डाल लेनी है। तो उसका फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो फ़ोटो सिग्नेचर आप अच्छे से अपलोड करेंगे, सारी डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका क्या है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फ़ोटो का यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है तो आप इसी हिसाब से फ़ोटो जो अपना अपलोड करेंगे, अपलोड इमेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर में जो है फ़ोटो अपलोड होकर आ जाएगा। तो थोड़ी देर आपको क्या है अपना वेट कर लेना है, उसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आपको क्या है रीलोड कर लेना है, कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम होती है, वैसे सर्वर की प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आता है आपका सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे आप फिल करना चाहते हो तो अपना एग्ज़ाम सेंटर तीन जो है एग्ज़ाम सेंटर चुन लेंगे, ठीक है। तो तीन एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद जो है आगे देखेंगे, जो भी आपका फर्स्ट प्रीफ्रेंस है आप फर्स्ट देंगे, सेकेंड को सेकेंड, ठीक है। तो आप जो भी सेंटर चाहते हैं कहीं पे भी आप जो है अपना सेंटर डाल सकते हैं, जो या इसमें सेंटर अवेलेबल दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है आपका कैप्चा कोड डाल देना है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद जो है सबमिट पर क्लिक ऐप वहाँ पर आपका डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन को जो है क्लिक कर लेना है। और डिक्लेरेशन को क्लिक करने के बाद जो है आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो कैप्चा कोड डालने के बाद आपको क्या है सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड अपनी सावधानी से डालना है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर, ठीक है। और नंबरिक मोड है तो नंबरिक मोड जो है आप यूज करेंगे तो आपको नॉर्मली ये छोटी छोटी बातें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको क्या है जैसे देखिए आपका फॉर्म जो है चेक करने के लिए आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आप अपने फॉर्म को जो है अच्छे से चेक कर लेंगे, अगर कोई गलती है तो उसमें चेक चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डाल देंगे। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया है उस पर यस करने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है, उसके बाद कर देंगे सबमिट पर क्लिक। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है आगे फॉर्म जो है पड़ जाएगा। तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सारा कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको लॉग इन आई डी दे दी है, एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको लॉग इन करते टाइम ज़रूरत पढ़ने वाली है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन को अपने ध्यान से कहीं पर भी कॉपी कर लें या फिर सेव कर लें। उसके बाद आपको क्लिक टू हेयर टू लॉग इन कर लेना है, ठीक है। जैसे क्लिक टू लॉग इन करेंगे तो आपको क्या है वहाँ पे आपका लॉग इन आई डी और पासवर्ड जो है डाल देना है, ठीक है। तो लॉग इन पास आई डी पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड, उसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फॉर्म लॉग इन हो जाएगा। तो आप जैसे ही क्लिक हेयर अप्लाई पर जो है क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कि अभी आपने लॉगिन आईडी डाला है, उसका पासवर्ड डाला, उसके बाद कैप्चा कोड, तो ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से फिल कर लेनी है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर गलत डाल रहे हैं तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको री लॉगिन कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे, अब लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका इस तरह का इंटरफेस जो है थोड़ी देर में आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है, सर्वर की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो है टाइम लग सकता है, बिल्कुल भी ना घबराइए। ये वीडियो जैसे चल रहा है वैसे आपका सर्वर जो है कभी कभी डाउन हो सकता है या फास्ट भी हो सकता है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आप फॉर्म अपना खुद जो है फिल कर पाएंगे। उसके बाद देखिए आप क्लिक हेयर पे अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म जो है अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो आप क्लिक हेयर करेंगे क्योंकि आपको अभी क्या है इसमें अपना फीस काटनी है और आपको सारी डिटेल जो है फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप जो है लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपको अपना लॉगिन आईडी और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और आपका कैप्चा कोड, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यूज करने के बाद री लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो है री लॉगिन पेज आपके सामने खुल के आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड मांग रहा है सिर्फ, तो इसमें आपका लॉगिन आईडी नहीं डालना है, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डाल देना है, उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है इस तरह आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपका जो है क्लिक हेयर टू पे, तो आप पे के लिए खोलेंगे तो आप पे में आप या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपके लिए फ़ोन पे, गूगल पे आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो फ़ोन पे, गूगल पे, किसी से भी आप जो है पे करने के बाद आपका जो है कंप्लीट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कंप्लीट फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा तो आपका जो है फॉर्म डाउनलोड होकर आ जाएगा, तो आपके सामने जो आपका फाइनल प्रिंट जो है खुल के आ जाएगा। तो आपको क्या है थोड़ी देर वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। तो ऐसे आपको जो प्रिंट आएगा उसको आपको सेव कर लेना है या फिर प्रिंट निकाल के आपको जो है रख लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो जो भी फॉर्म आता है वो आपको भरना आ जाए। आप अपना खुद ही अपने घर फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे जनसेवा केंद्र पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।